कहीं को अल्लाह से डरे, बुराई हो जाए तो नेकी कर लो, क्योंकि नेकी बुराई को मिटा देती है। अहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, वेलकम टू कॉलन मारूफा। भली बात, हदीस देखते हैं, रवायु तिर्मिजी, किताबुल बिर। सैयदना अबू जर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मुझसे फरमाया, तू जहाँ कहीं हो अल्लाह से डरो, बुराई के पीछे नेकी कर, नेकी बुराई को मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। हदीस के रावी कौन है? अबू जर। कॉल कॉल अली रसूल अल्लाही इत्तकल्ला, अल्लाह से डरने की बात कह रहे हैं। पोस्ट हाई सुमा कुलता, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरे। वअत भी सही अतन हसनता तमहुहा, कभी सैया हो जाए, गलत काम हो जाए, बुराई हो जाए, तो उसके पीछे क्या करो? हसनता, अच्छा काम कर लो, क्योंकि तमहुहा, बुराई के पीछे जब अच्छाई करेंगे तो बुराई मिट जाएगी। जैसा इरेजर से हम कैसा मिटा देते, वैसा तम पोहा। वखालिकन नासा बिखुलुकिन हसद, और फरमाते हैं कि नेकी बुराई को मिटा देगी और लोगों के साथ, यहाँ देखिए, वखालिकन नास, लोगों के साथ बिखुलुकिन हसनिन, अच्छे अखलाक से पेश आओ। तो यहाँ हम क्या सीखे कि कहीं पर भी हो, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में हो, कोई हमको देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह से डरना है। और अल्लाह से डरने का मामला ऐसा है, बंदे और अल्लाह के बीच में है। जब आपके दिल में ये बात आ जाती तो हर वो चीज़ से रुक जाते जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता, और हर वो चीज़ करते जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाता। तो इत्तखल्ला हैसुमा कुंता, अब लोग समझते कि सिर्फ कोई देखने से नहीं, ये जब अल्लाह का डर आ जाता, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। और फिर वक्त भी ऐसा ही था, और आपसे गलती हो जाती, बुराई हो जाती, कई बार हमको रिग्रेट होता, अफसोस होता कि हमसे गलती हो गई, बुराई हो गई। ये हदीस में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। क्या बताया जा रहा कि अगर बुराई हो जाए तो हसना कर लो, अच्छा कर लो, क्यों? अच्छाई बुराई को मिटा देती है। तो जब आप अच्छाई कर लेंगे, बुराई को मिटा देगी, और सब लोगों के साथ अच्छा अमल करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। देखिए, वखालिकन नास, सब लोग के साथ, यहाँ ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हो या ना हो, डजेंट मैटर, हर इंसान के साथ, हर मखलूक के साथ अच्छा बिहेव करो, क्योंकि कुलुकन हसनन, अच्छा पेश आओ, पीपल के साथ, लोगों के साथ गुड कॉन्डक्ट रखो, अच्छा बिहेवियर रखो। जब अल्लाह का डर आता है ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें सही हो जाती। लेकिन जब लोगों के साथ कभी बुराई हो जाती, एक्सीडेंटली या अनजाने में हो जाता, या गुस्सा हमारे लिए ओवरकम करता, फिर आप अच्छाई कर ले और अच्छाई करते जाए। अगर लोग उसका बदला नहीं दे रहे हैं, लोगों से उम्मीद रखिए भी मत, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह देने वाला है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ ज्यादती करें, बुराई करें, वो तो नोट डाउन हो गया ना, अल्लाह के पास भी और बंदे के पास। जब हम अच्छाई कर लेंगे और बुराई मिट जाएगी, तो अल्लाह के पास तो वो रिकग्नाइज हो जाएंगे ना हमारी अच्छाई, और हमारे दिल में भी एक सकीनत आ जाएंगी, एक सुकून आ जाएगा कि हाँ, हमसे बुराई हो गई थी, हमने अच्छा किया, हमने कोशिश की। कोशिशें कामयाब होती, हसरतें नहीं। अगर आप ये उजर देखने बैठ जाए कि नहीं, अगर मैं कितना भी अच्छा करूं, सामने वाले एक्नॉलेज नहीं करने वाले, कोई बात नहीं है। लोगों से तारीफ नहीं चाहिए, लोगों से जजाकल्ला खैर नहीं चाहिए, लोगों से कोई ऐसी बात जिससे खुश हो, नहीं, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। लोगों के साथ ज्यादती नहीं करना है। जजाकल्ला खैरन कसीरा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है ILM, एक वर्ड है, कुरान फॉर ऑल बैन अनदर वर्ड है, स्पेस नहीं है। प्लेलिस्ट भी है, इसमें उर्दू और इंग्लिश में बयान है, तफसीर है, हदीस है। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।